अब देखो एडिशनल एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन 1.33। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज नेगेटिव q एंटर्स द रीजन बिटवीन द टू चार्ज प्लेट इनिशियली मूविंग अलोंग x एक्सिस विद द स्पीड ऑफ vx, द लेंथ ऑफ प्लेट इज l एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेंटेन्ड बिटवीन द प्लेट्स सो दैट द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल एट द फार एजेस ऑफ द प्लेट इज QE L square by 2m Vx का square। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास एक दो प्लेट हैं, एक तो प्लेट ये और एक प्लेट ये। ठीक है, ये दो प्लेट्स हैं और जो अपर प्लेट है ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये वाली प्लेट कैसी है, नेगेटिव चार्ज। और इस प्लेट की जो लेंथ है वो क्या है, L। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस प्लेट के बीच में, या मतलब इन दोनों प्लेट्स के बीच में यहां कहीं एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रखा है, दैट इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जिसका मास क्या है, m। इसका मास भी कितना गिवन है, m। तो बोल रहा है अगर इसको मैं x डायरेक्शन में वी एक्स स्पीड से प्रोजेक्ट करता हूं, मूव कराता हूं, इसको स्पीड प्रोवाइड करता हूं x डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये इस प्लेट को जब छोड़े, लीव करे, तो कितना डिस्प्लेसमेंट गेन करेगा, तो वो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये QE L स्क्वायर बाई 2m Vx स्क्वायर। यही मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्जिंग फील्ड के लेक्चर नंबर 10 के अंदर एक लेक्चर है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है, वहां मैंने इस क्वेश्चन को प्रूफ किया है और इवेंचुअली इससे बहुत बहुत टाइप के क्वेश्चंस मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पर मैंने एक्सप्लेन किए हैं वहां। तो आपको यहां आई बटन मिल जाएगी, उस पर क्लिक करें तो आप वहां बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइप के देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो अगर ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और इसका मास कितना एम है और इसको वी एक्स वेलोसिटी से मूव कराया जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो जो इस दोनों प्लेट्स के बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन्ड होगा, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये बात भी क्लियर है। अब एक और बात, अब अगर इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि यही तो कॉन्सेप्ट है कि अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, दैट मीन्स इधर की तरफ, दैट इज एफ वाई, फोर्स इन वाई डायरेक्शन, वो कितना लगेगा, क्यू ई, राइट। अगर इस पर फोर्स इधर लगेगा तो ये चार्ज पार्टिकल एक्स एक्सिस में न जाके ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा इस तरीके से, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी है, उस पर जो फोर्स लगेगा वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ लगेगा, ठीक है। तो बोल रहा है ये वाला देखो, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, यहां इस एक्स एक्सिस जो डायरेक्शन में जो स्पीड हमने प्रोवाइड कराई है, तो यहां से यहां तक हमने जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बोल दो या डिफ्लेक्शन, वो इतना है, और इसी को मैं प्रूफ करना है, जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, राइट, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर ये चार्ज पार्टिकल इस प्लेट को लीव करेगा, मान के चलो यहां से छोड़ के यहां आ गया, इस पॉइंट पे आया, तो इस पॉइंट पे आएगा तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो अब ये पार्टिकल कैसा चलेगा, सीधा चलेगा, ठीक है, बिल्कुल सीधा मूव करेगा, क्योंकि इस पर अब कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है वो 2D मोशन का है, यानी मोशन 2D मोशन के अंदर हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं 11th क्लास के अंदर, वही कॉन्सेप्ट यहां यूज होगा। तो देखो ये एक्स एक्सिस डायरेक्शन थी और ये वाई एक्सिस डायरेक्शन, मैं चार्ज पार्टिकल को नेगेटिव क्यू चार्ज पार्टिकल जिसका मास एम है उसको एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा हूं वी एक्स, लेकिन इस पर जो फोर्स लग रहा है वो कहां लग रहा है, वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये चार्ज पार्टिकल है वो इस तरीके से मूव करेगा, एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, ये फिगर है इसका, ठीक है। तो इसको करने का तरीका क्या है, आप देखो एक एक्स एक्सिस डायरेक्शन और एक वाई डायरेक्शन, तो आप बताओ एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी दे रखी है आपको, वी एक्स गिवेन है, आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है जो इसकी स्पीड है एक्स एक्सिस डायरेक्शन में कितनी है, वी एक्स है, तो इनिशियल वेलोसिटी वी एक्स है, तो वाई डायरेक्शन में कितनी इसकी इनिशियल वेलोसिटी, वो जीरो होगी, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो एक्स डायरेक्शन में ना कि वाई डायरेक्शन में, तो ये जीरो हो जाएगी।
लेकिन जो इस पर फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, y डायरेक्शन में, तो जो फोर्स है वो y डायरेक्शन में वो कितना है QE, लेकिन x डायरेक्शन पर इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। जब x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा तो x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लगेगा, यानी एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो इन x एक्स डायरेक्शन। तो अगर आप यहां देखें, अगर फोर्स y डायरेक्शन में एग्जर्ट हो रहा है दैट मीन्स एक्सेलरेशन भी होगा, वो कितना होगा एफ वाई वाई एम, ठीक है, और वो कितना है क्यू ई बाई एम, इतना एक्सेलरेशन लगेगा। क्लियर है? अब देखो आप ना, अब ये जब ये जो चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इस प्लेट को छोड़ के जाएगा, तब कितना टाइम लगेगा इसको इस प्लेट को छोड़ने में, वो हमें टाइम निकालना है। देखो नाउ टाइम टू लीव दिस प्लेट, वो टाइम कितना होगा, वो टाइम होगा टी बराबर क्या होगा, टी बराबर होगा एल वाई वी एक्स, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो इसकी जो डिस्टेंस है, लेंथ है इस प्लेट की, वो कितनी एल है, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। दिस इज वॉट एल इज द लेंथ ऑफ प्लेट, और वी एक्स क्या है, जो चार्ज पार्टिकल है उसकी एक्स डायरेक्शन में उसकी स्पीड है, ठीक है। अब देखो नाउ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जिसको मैं एस से डिनोट कर रहा हूं, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है इससे क्या है एस, तो देखो एस बराबर क्या हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन जो चार्ज पार्टिकल है वो किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, वाई डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहां जो मैं वेलोसिटी लूंगा, इनिशियल वेलोसिटी, वो वाई डायरेक्शन में लूंगा, और एक्सेलरेशन भी किस में लूंगा, वाई डायरेक्शन में, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो देखो यू वाई कितना है, जीरो था, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है इनिशियल, तो ये जीरो। अब देखो आप, ये बचा हाफ ए बाई कितना है, वो होगा क्यू ई बाई एम, क्यू ई बाई एम इन टू, और टी कितना है एल वाई वी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर ये स्क्वायर हो गया तो इसको सॉल्व कर लो, ये आ गया क्यू ई एल स्क्वायर बाई टू एम वी एक्स का स्क्वायर, ये आ गया आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। यही देखो आप QE L square by 2M VX square, ये हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ, ठीक है। अब आप इसको नोट करो, इसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट 1.34 एक्सप्लेन करता हूं।